हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। आज की हमारी वीडियो जैनदे स्कूल एंड सोसाइटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। इस वीडियो में 2017, 18 एंड 19 के क्वेश्चन पेपर्स को आपको शो किया जाएगा एंड आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा कि कौन से एग्जाम में टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्योंकि आफ्टर इंक्लूसिव स्कूल हमारा 8 अक्टूबर को जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का ही एग्ज़ाम है, तो इसकी प्रिपरेशन हमें पहले से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। और ये एक सब्जेक्ट थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो मुझे लगता है कि इसके प्रिपरेशन करने में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होंगे और हमारी जो बुक है वो भी ज़्यादा हेल्पफुल है नहीं। तो गाइज, वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए गाइज, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, आप लोगों को पता ही है, आज हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के क्वेश्चन पेपर को आपको शो करेंगे और मैंने अपनी पहले भी वीडियो में कहा है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को राइट डाउन देकर ये मत सोचिएगा कि ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस नहीं है या ये क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर्स ही हैं, बस मैंने इनको अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इस तरीके से लिखकर रखा हुआ है और मैंने इनको कैटेगराइज़ किया हुआ है, पहले वेरी शॉर्ट तीनों ईयर के, फिर शॉर्ट और फिर लॉन्ग। देखिए गाइस, 2017 के शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 10, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी कहा था इंक्लूसिव वाली में कि आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ट्रू फॉल्स ही आते हैं, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है। आप देख सकते हैं कि जेंडर में 2017 में वन वर्ड या 2-3 लाइन का वेरी शॉर्ट आया हुआ है, आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर 2 से 3 लाइन में देने हैं। लिंग पर पक्षपात क्या है, भारत में उपजाति व्यवस्था को परिभाषित कीजिए, इन सभी पर आपको 2-3 लाइन में आंसर देना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन किसी भी टाइप में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या मल्टीपल चॉइस, वन वर्ड। 2018 में भी अगेन देखिए आप, वही आया हुआ है, डिस्क्राइब कीजिए, मीनिंग बताइए, डेफिनेशन बताइए, लाइक 2-3 लाइंस में आपको आंसर देना है। ये 2018 के 4 क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर पेज एंड हो गया है इसलिए मुझे दूसरे पेज में लिखने की नीड हुई है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे 2018 के 5 to 10 क्वेश्चंस हैं, सारे ही क्वेश्चंस 2 से 3 लाइन में आंसर आपको करने पड़ेंगे। देन हमारे आ जाते हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर। 2019 में भी सेम पैटर्न हुआ है, ना ही ट्रू फॉल्स आया है, ना ही वन वर्ड, ना ही मल्टीपल चॉइस आए हैं और ना ही फिलअप्स आए हैं, सारे ही क्वेश्चंस आपको 2 से 3 लाइन में उनको डिस्क्राइब करना है, उनकी मीनिंग बतानी है या सुझाव पूछे गए हैं आपसे या फिर घरेलू हिंसा के कारण देख लीजिए पूछे गए हैं। आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर गाइस पेज एंड हो गया था तो एक क्वेश्चन मैंने ऊपर राइट डाउन किया है, ये आप देख सकते हैं, वर्ग से आप क्या समझते हैं। गाइस, आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो नोट डाउन करके लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपको पता है बहुत टफ होता है, इसमें समझ में ही नहीं आता क्या पढ़े, तो आप इन 30 क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके वेरी शॉर्ट रेडी हो जाएंगे एग्ज़ाम में, इन्हीं में से वेरी शॉर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बट मैं अगेन वही कहूँगी कि आप रटिएगा मत, समझिएगा कि क्वेश्चन क्या है, फिर वो कुछ क्वेश्चन में से किसी भी तरीके का क्वेश्चन बने तो आप कर लेंगे जब आप समझ के करेंगे। अगर आप रट के करेंगे तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। गाइज, ये जेंडर का 2017 का क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं 1, 2, 3 क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं। जेंडर वाले में जेंडर वाला कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ट्रिकी है गाइज, थोड़ा सा इसकी प्रिपरेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। ये 2017 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हैं।
इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारे पास 18 क्वेश्चंस रेडी हो जाते हैं। अगर हमने ये 18 क्वेश्चन भी रेडी कर लिए तो एग्ज़ाम में उसमें से दो तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे, बट आपको अच्छे से रेडी करने हैं। देखिए, अगेन जेंडर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो आपको जेंडर वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस सब्जेक्ट में ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, तो मैं भी खुद इस सब्जेक्ट में यही क्वेश्चन प्रिपेयर करूँगी। ये 2018 के 5 और 6 क्वेश्चन नंबर हैं। गाइज, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में राइट डाउन किया है ताकि दोनों ईयर के दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो। ये 2019 का लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर राइट डाउन कर सकते हैं। देन है हमारे 2019 के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। अगर आपको इस सब्जेक्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप खाली इन 18 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर कर भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है गाइस 2017 के। भारतीय नारीवाद की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, निर्णय लेने की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए, मानव अधिकारों के दो प्रकार बताइए, संघर्ष के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये मानव अधिकारों के दो प्रकार पूछे गए हैं, या आप ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। पहले ये 2 नंबर का होता था, अब 4 नंबर का आएगा। समाजीकरण सिद्धांत क्या है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा ये वाला। देन हमारे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये काफ़ी 2 बार आई थिंक एग्ज़ाम में मैंने देखा है, अभी आगे भी आपको दिख जाएगा 2018 या 19 में, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है, जेंडर इक्वालिटी से आप क्या समझते हैं, भारत में लिंग विभेदीकरण दर्ज कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग इस वाले सब्जेक्ट को आपको सिर्फ समझना है, बाकी अगर आपने बुक के अकॉर्डिंग रट के लिखोगे तो आप पेपर कभी भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट समझ कर उसके बाद अपने आप लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। देन 2018 के क्वेश्चंस, छात्राओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा को क्यों छोड़ दिया जाता है, आप सभी अच्छे से जानते हैं, ये हमने फर्स्ट ईयर में कंटेम्प्रेरी इंडिया में पढ़ा है। महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी आप सब समझते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा अभी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। देन है हमारे 2018 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। ये वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, आई थिंक ये 2019 में फिर से आया है। जेंडर विभेदीकरण इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए भी, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। हिडन करिकुलम भी लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप एक बार प्रिपेयर कर लोगे तो शॉर्ट के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। देन हमारा आ जाता है 2019। देखिए, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग अगेन आ गया है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये 2 बार आया है। देन इसके बाद हमारा है 2019 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। देखिए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न वाला फिर से आया 2019 में, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और ये कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर श्योर। ये अगेन मैं आपको बोलूँगी कि ये 8, 3 24 क्वेश्चन हो जाते हैं, आप इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपके 2 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में इसमें से आ ही जाएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो के थ्रू आप लोगों को नॉलेज हुई होगी कि आपको कौन से टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक को आपको छोड़ देना है, किस टॉपिक्स में से एग्जाम में ज़्यादा
पूछा जाता है। इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारे पास 30 वेरी शॉर्ट आ जाते हैं, 18 लॉन्ग आ जाते हैं और 24 शॉर्ट आ जाते हैं। तो अगर हमने ये सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो हमारा एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाएगा, हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब आप ये सोचोगे कि 30 वेरी शॉर्ट, 24 शॉर्ट्स और 18 लॉन्ग, तो गाइज आप लोगों को मैं बता दूं कि आप जब लॉन्ग प्रिपेयर करोगे तो आधे शॉर्ट और आधे वेरी शॉर्ट तो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे, उन्हें अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आप वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइज बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमने बाकी सारे सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बनाई हुई है, जिनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ जाकर वीडियो देखकर अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कम टाइम है और हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।